अस्सलाम वालेकुम। चाला बाबा खुशाय हो चंगा भला खैर अल्लाह से खुशाबाद कंदो। पुटा जेका टॉपिक पण पढ़ंदा सी ओ आए साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया देयर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्ग। चतन जो कलर जो को हुंदा वो ब्लू भी ना हुंदो ग्रीन भी ना हुंदो उन करे इन के जो है ब्लू ग्रीन एल्ग। साइनोबैक्टीरिया जो जदीद नालो पुराणो नालो ही साइनोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट एंड आर क्लासिफाइड इन किंगडम मोनेरा और प्रोकैरियोट। ऑल द ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर ब्लू ग्रीन इन कलर विद क्लोरोफिल एंड दे आर ऑटोट्रॉफ्स। The cell of the blue green algae, they have cell wall, bulky double cell wall, and the protoplasmic material algae, jaka cell wall hai or double cell wall, and the protoplasmic material of the blue green algae is divisible into two portions, having distinct parts. क्लियर चिट्टा वाज़ इनको बाहर है आउटर प्रोटोप्लाज्मिक मटीरियल एंड इन द आउटर वन इज कलर्ड एंड इज कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म आउटर कलर्ड एंड विच वाला जो कलरलेस है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म कलर पोर्शन। प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो है ना सेंट्रोप्लाज्म में थी दो या क्रोमोप्लाज्म में यकीनन कलर्ड में जो पास है यानी क्रोमोप्लाज्म में जो तो क्लोरोफिल देखा है वो इन रीजन पे है। किथे रहना है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं एंड दे आर एक्वाटिक माना दे आर वाटर लिविंग पानी में रहने वाला है एक्वाटिक है या पानी में रहने वाला है। ये तवा के कना कना डठो हो मटके ते जेका सावण है या कहां पे जाए थे पोसल पोसल हो जाते सावण सावण थी विंदी है ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है। एंड इनर में भी कॉमन जो को ब्लू ग्रीन एल्गी वो है नॉस्टॉक। अच्छा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉस्टॉक पढ़ो तो व्हाट इज नॉस्टॉक। बेटा नॉस्टॉक इज द कॉमन ब्लू ग्रीन अल्गा। अल्गा एल्जी में फर्क सिंगुलर प्लूरल जो सिंगुलर में अल्गा चवंदा ना प्लूरल में एल्जी चवंदा तो हिकड़ो अल्गा है नॉस्टॉक। ये जो को पान मट ते जका सावण सावण है यो यो हुंदो है नॉस्टॉक हुंदो या कहीं जमीन ते सॉइल ते जको हरापन या सावण वारो तह ठहंदो है नॉस्टॉक है ब्लू ग्रीन जो कॉमन सावण टी हुई है नॉस्टॉक। Is a filamentous blue green alga. Filamentous माना धागे वांगो होंगे जेकर आसा इन के काम ब्रश सा खणी ब्रश सपोज जो पास जो पेंटिंग वारो ब्रश होंगे या इवन टूथ ब्रश सॉफ्ट वारो असा उन ते थोड़ो थोड़ो सिंपली जेंटली उन ते रब कर जेंटली रब कर ब्रश का मट ते सावण ते जेको है या जमीन जिथे सावण सावण है या मट के मथा जिथे सावण सावण तो जेंटली थोड़ो ही रब कर प्लेन ग्लास स्लैट शीशे जेका पट्टी है उन ते बटे ड्रॉप्स पानी जा जेको सो रखे वो जेको सा ब्रश न सावण मट ते जेको सो जेंटली रब को उन के असा इन में जेको सो थोड़ो थोड़ो ही टच कराई टच थोड़ो थोड़ो कराइंदा सी तो बाजार असा के दिसण में कुछ भी नहीं तो चंदा सी ते न ते जेके वाटर जो ड्रॉप्स आ ते शिफ्ट त का भी ना है सी पर जेकर असा उन के माइक्रोस्कोप में रखे दिसंदा सी तो असा के कुछ ब चार इन जा नॉस्टॉक जा धागा नजर अची विंदा ओए ही शेप रखंदा
हिकड़ी चेन बीड्स दाणन जे का इन जे मथा जो को ग्लेटिनस मास ग्लेटिनस माना थलो त्रिपण मास ही आहे इन नॉस्टॉक जो धागो इन नॉस्टॉक वारो जो को धागो आया फिलेमेंट आहे उन के अस चवंदी ट्राइकोम छा है बेटा ट्राइकोम ट्राइकोम इज नॉस्टॉक फिलेमेंट माना नॉस्टॉक जो जो को धागो दैट थ्रेड हैविंग सेल्स ऑफ टू टाइप्स बिन किस्म जा सेल्स एंड दैट चैन ऑफ द बीड्स या चैन ऑफ द सेल्स दैट इज इनक्लोज्ड और कवर्ड ओवर बाय अ ग्लेटिनस शीथ ही जो है जो बीड्स हैं दाणन वागुर जो सेल्स हैं उन्हें मथा ही जो है चैन के मथा एकड़ी त्रिकणी त्रिकणी थली जो शीथ है उनके अस चवंदी है ग्लेटिनस शीथ ठीक बेटा ग्लेटिनस शीथ त्रिकणी त्रिकणी जो तिठो हों टमाटर जो बीज उन मथा जो पास थुलो मास है इन एडो खैर थुलो न होंगे पर उन मथा त्रिपण त्रिपण मास टमाटर के बीज के पास मथा जी ग्लेटिनस शीथ है ग्लेटिनस शीथ के इनसाइड बिन किस्म जहा सेल्स है एक सेल गोल गोल लगता ये गोल गोल वाला सेल हों वेजिटेटिव सेल्स वेजिटेटिव सेल्स These are the vegetative cells. And क्या तांगे थोड़ा ने लार कर रहे हैं? बी शेप जा जाके इनसे cells मस्त सीधा. They are called heterocyst cells. Heterocyst. ये भी cells हैं. Heterocyst cells. And ये कैन से spherical vegetative cells. ये वाला जगह vegetative cells हैं. These vegetative cells, they are spherical in shape, माना गोल. And are blue green in color and are photosynthetic in function panje work mein photosynthetic hain chotan jo ko bahar protoplasmic material of colored jame chlorophyll maujood hai jake ta chromoplasm mein han padhaya jete photosynthesis jo process hai mana vegetative cells are involved to perform the process of photosynthesis why the heterocyst cells which are colorless larger in size and having different shape from you see the vegetative cells unka mukhtalif shape heterocyst cell panje work mein cha hunda hai ye non photosynthetic cells hain these cells the heterocyst cells heterocyst inne heterocyst cells mein ke colorless hain inne mein ability hundi hai to absorb nitrogen from atmospheric air and convert it into NO3 that meaning nitrate and thus increase the fertility of the soil zameen ki fertility increase karna hai ji ta nostoc jo ko trichome aaye dhago o ketra hi dhaga paan mein vichri sichdi ya this the threads the trichomes hundreds of the trichomes they interwoven together paan mein vichri sichdi winda and form a rounded ball like structure mane dhaga ketra hi dhaga dhaga jekan se vichdi sichdi jo ko asakdi ball wangur structure thai vidiya he trichome san hundreds of the trichome vichdi sichdi ikdi ball wangur structure tachan that ball like structure formed by the interwoven of hundreds of trichomes of the nostoc this is cnidium फ्रेश वॉटर लिविंग रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक रिप्रो इंडक्शन एन नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एलर्जी ऑल जितना भी है ब्लू ग्रीन एलर्जी में
जेका रिप्रोडक्शन आए वो सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल है, मीनिंग देयर इज अ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बिनोग्रिनल, सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोड्यूस है. एंड देयर आर टू मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज फाउंड इन द स्टॉक. वन इज कॉल्ड हार्मोगोनिया, एच ओ आर एम ओ गोनिया, हार्मोगोनिया. एंड अदर वन इज अकाइनेट्स. बर नंबर वन देखे तो हार्मोगोनिया इट इज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशंस माना साजगार हालात छा जा हेकड़ो नॉर्मल टेम्परेचर. याद रहे ब्लू ग्रीनर के लिए हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर वो उन्होंने फेवरेबल हों. लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर या सारे सीजन इन घट फेवरेबल ना होंगी. उन करो हों सावण सावण जो होंगी जिथे जिथे पानी हों उत उन्हारे में सावण सावण शर्त यो हो पानी हमेशा हो टेम्परेचर ए फेवरेबल के लिए बी शे नॉर्मल टेम्परेचर जो मथी डिग्री वो. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर बाकी फूड के हवा से ऑटोट्रॉफ्स. हार्मोगोनिया इज अ सेक्सुअल मेथड फेवरेबल कंडीशंस में थी ड्यूरिंग व्हिच व्हाट हैपेंस दिस ट्राइकोम द फिलामेंट दैट ब्रेक्स डाउन फ्रॉम द पॉइंट हर उन जाय खान वेयर हेट्रोसिस्ट सेल इज अटैच टू द वेजिटेटिव सेल. ही वर स्फेरिकल वेजिटेटिव सेल एंड हेट्रोसिस्ट ही वर हेट्रोसिस्ट इन द वेजिटेटिव सेल हेता टूटो हेता का ब्रेक थी हेता का ब्रेक थी हर उन जाय खान जो ट्राइकोम ब्रेक थी जिते हेट्रोसिस्ट सेल है वेजिटेटिव सेल पान में मिले है. हाँ सपोज जब हेता टूटो तो ही जो है यो पीस जो है जो अलग थी ही अलग अलग पीस थी हेट्रोसिस सेल जो पास ही अलग थी ना गा हेट्रोसिस सेल में कैंस अलग थी गा. ठीक है बेटा लाइट झटका पे थी रे बाबा जी. तो पीस ऑफ द फिलामेंट इन बिटवीन टू हेट्रोसिस बिन हेट्रोसिस सपोज इट हेट्रोसिस थी है बी हेट्रोसिस थी है जेकर मुझे कैमरामैन ही दिखारे तो सके एकड़ी हेट्रोसिस जे का सपोर्ट ओ ही हेट्रोसिस ता नहीं है. कैमरामैन दिखायो बिल्कुल है होशियार कैमरामैन है बाबा ही ब हेट्रोसिस ता निकड़ी ही हेने ने तीन हेट्रोसिस जे विच में ही जो को पीस है इने के हार्मोगोनियम चवंदा सी. ए सपोज हेने हेट्रोसिस का ही हेट्रोसिस का ही वा पीस हार्मोगोनियम द पीस ऑफ द फिलामेंट इन बिटवीन टू हेट्रोसिस is called harmogonium. जाते हैं उत्तर उधर से harmogonium. harmogonium. जब वो में थी harmogonium. And now each harmogonium that starts developing बदल शुरू थी तो to form a complete filament. सही जो कहा सो complete filament है ये. पर ब्यो मेथड है अकाइनेट्स. Akinetes is also a sexual method of reproduction that occurs in unfavorable season. माना नासाजगार हालात में थी तो नासाजगार हालात पर क्या था? खास करे या तो low environmental temperature या वाली drying up of that pond or drying up of that मटका or breaking of that मटका. वो मटको जो का सो क्रीप ऑफ था को जी कहीं द परदा थी सुकी वे उन जे मथा जे के ये हार्मोन आया वरी जे कहीं से ये नास्टॉक जा फिलामेंट होया या तला सुकी हो वो छा थी इन सच अनफेवरेबल कंडीशंस. बेटा समझने की कोशिश कर ला एडन अनफेवरेबल कंडीशंस में छा थी दो हण बट सुकी हो या बट बड़ी पे या नर को जो को आए वो हण सनत हालन पे खराब थी पे बटरी उन हर एक जो को ट्राइकोम फिलामेंट आ उन जाय जे के वेजिटेटिव सेल्स है यार वो ये ना द ड्राइंग अप या लो टेंपरेचर वो ता खबर छा थी दो ड्यूरिंग द सच अन फेवरेबल कंडीशंस दीस स्फेरिकल बॉल यानी वेजिटेटिव सेल्स दे गेट सेपरेटेड
फ्रॉम वन अनदर एक बे का उन का पंजे कॉलोनी का पंजे ग्रुप का अलग थींदा हु दुखिया वक्त में केरी कहजो ना है बेटा हे अलग थिया एंड देयर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव सिस्ट ओवर इटसेल्फ पंजे मथा प्रोटेक्टिव लेयर ठाइंदा दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर असिस्ट मथा पंजे को परदो ठाइंदा एट दिस स्टेज दीज वेजिटेटिव सेल्स जो तो सिस्ट ठाइण का बाद थोड़ा साइज में भी लार्ज थींदा दे आर कॉल्ड ईच वन इज कॉल्ड अ काइनेट जमो में काइनेट्स तो ये अकाइनेट सर्वा हर एक अकाइनेट असल में वेजिटेटिव सेल आ इन जा अप हिस्सा हुंदा है इन जा अकाइनेट जा हिन जो को बाहर हुंदो है थोड़ो हेडे करे भला ठाए छो तो हिन पासे ठाए तो कैमरा जी अख का जो पायो छो लिखी हुंदो पर ही मथा प्रोटेक्टिव लेयर इन अप हिस्सा है बेटा अकाइनेट जा बाहर के एक्सोस्पोरियम बाहर के एक्सोस्पोरियम ए अंदर के एंडो एस्पोरियम ठीक है हाने जे फेवरेबल कंडीशन थी अचन माना पानी जो का तला में थियो फेवरेबल कंडीशन थियो टेंपरेचर भी नॉर्मल थियो द आउटर एंडोस्पोरियम या आउटर वॉल दैट ब्रेक्स अप रप्चर्स एंड द एंडोस्पोरियम दैट सेट फ्री एंड इट स्टार्ट्स डेवलपिंग वदन शुरू करलो और सजो ट्राइकोम थियो हां तो कंडीशन से फेवरेबल आइन हाने वरी जो पासो हार्मोन वाले तरीके से रिप्रोड्यूस थिंदो तो ये प मेथड्स होया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जा नॉट स्टॉप के अंदर और अगला को न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ऑफ बिलियोगन एनर्जी पर ताए खबर है न्यूट्रिशन के हवाले से ताए खबर है तही ऑटोट्रॉफ्स हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन माना गिजा फूड दैट एड्स लाइक फ्यूल इन इंजन ये जगह न्यूट्रिशन के हवाले से दे आर ग्रीन क्लोरोफाइल्स दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर फूड ऑफ देयर ओन दे आर ऑटोट्रॉफ्स क्लियर उन का को है जी ब्लू एनर्जी इंपॉर्टेंस एम ऑटंस बेटा जे बैक्टीरिया जी इंपॉर्टेंस पड़ी सी तो कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद है कुछ वरी नुकसान कर पुट ही जे के ब्लू ग्रीन एनर्जी थे ना इन जी इंपॉर्टेंस बेनिफिशियल आ माना फायदेमंद इन में नुकसान को भी ना है के इन जो स्पेशली हिन जे का हेट्रोसिस्टा चाहिए आसी लार्जर कलरलेस सेल दैट पजेस द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन के छा में कन्वर्ट कंदो NO3 यानी नाइट्राइट यो भाणा यूरिया भाण समझो तो ही यानी ब्लू ग्रीन एनर्जी द इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय फॉर्मिंग नाइट्राइट नाइट्रेट था ठाइन स्पेशली को नॉस्ट्रॉक जो ही किस्म आए जंके ता नॉस्ट्रॉक एना बिना चवंदा हो वो नॉस्ट्रॉक एना बिना जो को है वो एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल थिंदो छो तो उन में वरी वधिक सलाहत हुंदी आ नाइट्रेट ठाइण जी त या इंपॉर्टेंस इन जे का सा हां बाकी जे कर का जाए ते नलके जे आसे पासे जे कर ये जो का सो नॉस्ट्रॉक है जे कर ब्लू ग्रीन एनर्जी जा जे के सला सला तिरकणा त ठई वे हैं आई जे कर ता उन दे पैर था जो आई जे कर तिरकी था वनु आई थको तो लगे तो उन में हने जो को बडो ना है पंजे नलके जे दिक्की जे का आसपास जे का वो साफ कंदा कर आई सम चैप्टर नंबर 6 पूरा थ वरी इंशाल्लाह जो कासो नए चैप्टर सा 7 चैप्टर में पान मिलादासी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।